हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हो। तो आप सबको दिख ही रहा होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। आज का व्लॉग होने वाला है सभी पटाखों का। ये सारे पटाखे मैंने मंगवाए हैं दिल्ली से, मेरे भाई से मंगवाए हैं, दिल्ली से आए ये सब। और जागृति की नानी ने जागृति के लिए ये भी भेजी है, पंजाबी तड़का नमकीन। तो पापा बेटी दोनों के दोनों खोल के बैठ के खाने लग गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पटाखे दिखाना। ये जो है, सबसे पहले मैं छोटे छोटे पटाखों से स्टार्ट कर रही हूँ जो जागृति के लिए मंगवाया है। ये हंटर था और अभी ये मैंने कुछ मुर्ग छाप के पैकेट्स हैं ये हैं, और ये फिरकी जो होती है फिरकी वो, और ये अनार हैं। मैंने कई 3 डब्बे अनार के मंगाए हैं अलग अलग तरीके के। तो वो जब दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे तो उस व्लॉग में दिखेगा आपको कि कौन सा अनार कैसे चलेगा। तो ये जो डब्बा है सबसे बड़ा वाला, ये ऊपर दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, ये वाला और वो वाला, ये दोनों। इतने आप बाकी के देखिए। तो ये कुछ डब्बे फुलझड़ी के हैं जागृति के लिए, और वो साथ में रखा है डब्बा, ये पेंसिल बॉक्स आता है, पेंसिल वाले होते हैं जैसे अनार होता है ना, उसी टाइप से होती है। इसमें भी पेंसिल की तरह पकड़ लो तो अपने आप ही जलती रहती है अनार की तरह। ये इसमें कुछ चढ़नी है, बच्चों का ही है ये भी। तो ये जागृति के लिए मंगाए थे मैंने छोटे छोटे, और ये है बटरफ्लाई। तो ये भी जी जब मैं दिवाली व्लॉग बनाऊँगी तब आप सबको दिखेगा। ये भी बहुत अच्छे से नाचती है, बटरफ्लाई की तरह कूदता है ये। जब मैं छोटी थी ना तब ये सारे पटाखे खूब जलाती थी, तो इसलिए मैंने जागृति के लिए भी यही सब मंगवाए हैं जो हम बचपन में जलाया करते थे। और ये जो बड़े बड़े हैं ये चलो हमने अपने लिए मंगवाए हैं, सब बड़े बड़े हम फोड़ेंगे, और छोटे छोटे जो हैं वो जागृति के लिए सारे। तो ये जो बटरफ्लाई है ये भी मतलब आवाज़ नहीं करती है बम की तरह, बस ये थोड़ी सी ऐसे बटरफ्लाई की तरह नाचती है। एक अनार ये था, 2 डब्बे थे अनार के, और वो जो सबसे बड़ा डब्बा था ना उसमें भी अनार है, तो दिखाऊंगी आपको कैसा था वो। तो ये डब्बे 2 अनार के थे, और ये 2 स्काई शॉट मंगाए थे। ये वाला है 12 उसका, मतलब इसमें 12 कलर के निकलेंगे, पता नहीं है 12 टाइम स्काई शॉट होगा। और एक और जो डब्बा है वो उसमें 30 टाइम स्काई शॉट होगा, इस वाले में 30 टाइम स्काई शॉट होगा। ये हमने लास्ट ईयर भी लेके आए थे खरीद के, तो 30 वाला, और इस बार साथ में 12 वाला स्काई शॉट भी है। तो इस बार हमने 2 मंगवाए हैं स्काई शॉट के वाले डब्बे। तो अब आई है फाइनल इस वाले बॉक्स की बारी, जो मैंने इसकी जागृति के पापा से बोला था कि इस डब्बे को साइड में रख दो, ये सबसे लास्ट में दिखाऊँगी। तो ये डब्बा आप देखो खोल गया, और इसमें से देखो क्या निकला ये। इसमें ना एक और भी थे गोल्डन कलर के, तो ऐसा लगे जैसे सोने की बॉल्स हो। तो ये भी अनार है, और ये एकदम लड्डू जैसा गोल गोल अनार है। तो जब दिवाली पे अब पटाखे फोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा पटाखा कैसा फूट रहा है और कैसे रिएक्ट है किस पटाखे का। तो जैसे आप सबने देखा ये सारे मैंने पटाखे मंगाए थे, और इसमें कुछ स्नेक छाप भी है, कुछ मुर्गा छाप भी है, कि आधे में मुर्गा बना हुआ है और आधे में सांप, और एक ये डब्बा रह गया था। तो ये भी अनार है, ये अलग ही टाइप का अनार लाया मेरा भाई, मेरे को पता ही नहीं है कि ये इस टाइप के भी अनार आते हैं। ये कुछ अलग ही टाइप का अनार है, पता नहीं ये कैसा है, दिवाली पे पता चलेगा सब कुछ। और आप सबको भी एडवांस में हैप्पी दीपावली। अब दीपावली आने वाली है तो हमने सोचा क्यों टाइम करें। और ये जो बैंगन रखे हुए हैं ये मैं भी काटूंगी सुबह के लिए, तो काट के मैं फ्रिज में रख दूंगी ये सारे बैंगन, सुबह सब्जी बना दूंगी फिर। और ये दोनों पापा बेटी को देखो, मुझे पूछ भी नहीं रहे कि ले खा ले, दोनों अपना मस्त लगे पड़े खाने में, अलग ही मज़े में। चलो कोई नहीं, अब दिवाली पर सब देखेंगे पटाखे फोड़ के, और पूरा शॉर्ट पूरी वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, शॉर्ट कह रही हूँ। तो जब आप सब लोग देखना दिवाली का भी। और ये मैंने एक इरेजर बॉक्स एंड एक शार्पनर बॉक्स मंगवाया था मम्मी से ही,
तो जाग दीदी के लिए ये भी भेजे हैं। कह रही है मुझे दिखाना मम्मी, खोल के दिखाओ मम्मी मुझे। मैंने कहा खोलूँगी नहीं, डब्बा बंद रहेगा, खोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो फिर कमेंट में बता दो किस किसने पटाखे लिए हैं अभी।